होली के दिन में हनुमान जी की बड़ी महिमा है पूजा की। रात्रि काल में होली के दिन कोई भी साधक अगर चमेली के तेल की वजह सरसों के तेल में सिंदूर को श्री सीताराम नाम का पवित्र भाव के साथ नियम विधि के अनुसार यज्ञोपवीत धारी भगवान को अगर चोला चढ़ाता है तो संसार की कोई भी कामना हो वो प्राप्त कर लेता है। और उस दिन एक बड़ा सुंदर उपाय किया जाता है पान का। बीड़ा पान, मीठा पान लगाकर पवित्र भाव से होली के दिन रात्रि काल में अगर श्री हनुमान जी को प्रसाद रूप में कोई भी व्यक्ति लगाता है तो उसके जीवन के हिरण्यकश्यपु जैसे समान जितने भी राक्षस संकट होते हैं उन संकटों का नाश उसी रात में हो जाता है हनुमान जी को मात्र पान का बीड़ा चढ़ाने से। और इसका उपाय बहुत से साधक होली के दिन करते हैं, जो हनुमान जी के साधक होते हैं, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, वो इस साधक को बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि होली की रात साधकों की रात होती है। साधक साधना साधता है होली की रात में। होली की रात में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का जो जो ज्वार होता है वो बहुत ऊंचे लेवल पर होता है। तो सकारात्मक वाले अपनी ऊर्जा को खींच लेते हैं, नकारात्मक वाले अपनी ऊर्जा को खींचते हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए होली की रात स्पेशल रात है। सीताराम नाम का कीर्तन करना, चोला चढ़ाना, हनुमान जी को तो वैसे हर रोज रंग लगता है चोला का रंग हनुमान जी को, लेकिन उस रात को अगर चोला चढ़ाया जाए उस रात बहुत पावरफुल होता है होली की रात का चोला। अब लोग कहेंगे कि दीपक जो है वो कई सारे राजनीतिक सवाल पूछता है, लेकिन महाराज जी जिससे बात कर रहा है तो महाराज जी ने जो है उसको पूरा का पूरा पूजन की विधि बता दी है, बता दिया साधक महाराज जी। एक शब्द जो है आपके आलोचक कभी कभी पकड़ लेते हैं जिसको बोलते हैं ठठरी के, ठठरी के, वो शायद लोग समझते नहीं है ये ठठरी के का उदाहरण, क्योंकि इसको उपहास में बोला जाता है कई बार और कई बार इसका सीरियस अर्थ भी निकलता है, तो समझाइए ना ठठरी के क्या। ये हमारी बुंदेलखंड की भावनात्मक शब्द है, भावनात्मक शब्द है ये बुंदेलखंड। हमारी माताएं जब अपने बालक से नाराज होती हैं तो कहते हैं अरे ठठरी के बरे नकटा सदर जा, पर ठठरी का मतलब होता है सत्य बोध है, मतलब सत्य का बोध कराती है ठठरी। ठठरी है श्मशान की पर जाने के लिए जो शव को जिस लकड़ी के उस पर रखा जाता है वो है ठठरी, जिसको अर्थी भी कहते हैं। अर्थी भी कहते हैं, कई जगह पर अलग अलग नामों से उसको कहते हैं। तो अर्थी जो होती है उसे बुंदेलखंड में ठठरी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो लकड़ियों से मिलकर के बनती है, उस पर शव को लिटाया जाता है। तो माताएं इस भावनात्मक शब्द को बोल करके बालक को अपना गुस्सा जाहिर कर, हम कई बार विनोद में बोलते हैं, कई बार हम आप जोश में भी बोलते हैं, तो बोलने का मतलब हमारा ध्येय ये नहीं कि किसी का अनिष्ट हो। ठठरी एक ऐसा शब्द है जो सत्य है। हमसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आप पर्चा बनाते हो, ऐसा पर्चा बनाओ कि जो कभी कटे ना। हमने कहा वैसे आज तक हनुमान बागेश्वर बालाजी की कृपा से कटा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हम स्पेशल बनाते हैं, तो पर्चा तुम्हारा होगा, पेन तुम्हारा होगा, लेख हमारा होगा। पर्चा बुलाए, बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, और वो पेन लाए, बैठे बैठे हम बात ही कर रहे थे, हमने दो लाइनें लिखी, हमने कहा आप तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि ये काट दो। वो चौंके, उसमें हमने लिखा था मरना तय है, अब इसमें दम हो तो तुम काट के बताओ। शाश्वत सत्य है मृत्यु, उसी प्रकार ठठरी भी शाश्वत सत्य है। माताएं इस बुंदेलखंडी भावनात्मक शब्दों में ठठरी कहती जरूर है, पर उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ ये छिपा है कि ठठरी एक दिन सबकी जलनी है, इसलिए कल से भजन क्यों, आज से भजन कर। तो हमें तो नहीं लगता कि ये गलत है, या कई लोग जो आलोचना हमारी करते हैं उनकी निज दृष्टि है, नहीं विनोद का शब्द है शायद, मतलब ना समझते हैं इसके लिए, ज्यादातर बोलते हैं। महाराज जी मैं ये एक कौतूहल है मेरा, कई जगह राख शब्द का इस्तेमाल होता है, वही भस्म बन जाती है, तो क्या राख है और क्या भस्म है? बहुत सुंदर तार्किक शब्द। देखिए राख भभूति क्या है और क्यों यहाँ की भभूति की महिमा है, भभूति किसके बारे में? अद्भुत प्रश्न आपने उठाया। राख और भस्म, भस्म जो महादेव पर चढ़ जाए वो भस्म हो गई, उसने जो अपने आप को मिटा करके सनातन या इष्ट के लिए समर्पित हो जाए उसके शरीर की राख भी भस्म बन जाती है। वरना अमीर से अमीर अगर मरे तो वो खाक और राख हो जाता है। तो राख वो है जो सनातन के काम नहीं आया, इष्ट के काम नहीं आया,
समाज के काम नहीं आया। उसके शरीर के जलने के बाद बचने वाली वस्तु राख है, लेकिन अगर वही इष्ट के काम आ जाए, सनातन के काम आ जाए, तो वो भस्म बन जाती है। लेकिन अभिमंत्रित अनुष्ठान से तिल जवा चावल घी शक्कर आदि सामग्री का प्रयोग करके लकड़ी का छेवला की लकड़ी जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उन लकड़ियों का प्रयोग करके मंत्रोच्चारण करके यज्ञ किया जाए, और यज्ञ करने के बाद उसमें दैनिक साधना तपस्या से उपासना से जो ऊर्जा संचित करते हैं, उस ऊर्जा को उस हवन कुंड की जो बची हुई भस्म है उसमें अगर प्रवेश करवा दिया जाए तो वो विभूति बन जाती है। और विभूति ही भभूति ही विभूति बनाती है, और भभूति ही भस्मीभूत होने से, राख होने से बचाती है, भभूति ही नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। तो हमारे शास्त्रों में विभूति भभूति भभूति का बड़ा महत्व है, और साधक सिद्ध परंपरा में तो भभूति का बड़ा महत्व है। महादेव को भस्म चढ़ाने के बाद फिर उसको लगाने का बड़ा महत्व है। तो महादेव पर इष्ट पर चढ़ने वाली राख भस्म हो जाती, भस्म जब अभिमंत्रित हो तो वो भभूति बन जाती। लेकिन महाराज जी, होली तो गुलाल से खेली जाती है। हाँ जी, तो मैं क्या आपको थोड़ा सा रंग लगाने की दृष्टि से कर सकता हूं? बिल्कुल, अब बागेश्वर धाम पर बैठे हैं तो रंग डालो, हो जाए जी, हो जाए, हो जाएगा, हो जाए। श्री हनुमान जी महाराज की, हाँ, मुझे तो आप हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की तरह लगा देते हैं। बिल्कुल लगाए, बजरंग बिल्कुल लगा, ठीक है। कुछ लोग जो है, मुझे आपको थोड़ा सा ठीक लगा, कुछ लोग जो है कह रहे होंगे का आनंद है। तो महाराज जी आगे चलते हैं। अब मैं सुनना चाहता हूं आपसे, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। ये जिस भभूति पर चर्चा हुई, यहाँ का एक बागेश्वर धाम का सुप्रसिद्ध गीत है। ये जो मंदिर है बागेश्वर धाम का, ये सिद्ध क्यों है महाराज जी, ये बताइए। स्वयंभू हनुमान जी है। अच्छा। और पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने अपनी तपोबल साधना से, यहाँ पर एक वृक्ष है सामने, वहां से बालाजी को, बालाजी ने स्वप्न दे करके बालाजी प्रकट भए। अच्छा। सन्यासी बाबा को तो प्रथम बार यहीं पर उनकी स्थापना हुई है और विराजमान करवाया। तब से आज तक यहीं श्री हनुमान जी, 300 साल से ज्यादा हो गए, बहुत प्राचीन है। तब से यहाँ लोक मान्यता, सबकी मान्यता, हजारों की बार अखंड कीर्तन हो गया, रामायण हो गई, यज्ञ हो गई, इससे यहाँ की जो एनर्जी है, बहुत एनर्जी बहुत अपर लेवल पर पहुंच गई है। यहाँ आते ही विचार एकदम शून्य हो जाते, भक्ति के रंग में व्यक्ति रंगने लगता, नाम कीर्तन में रंगने लगता, और नेगेटिव एनर्जी वाला अपने आप यहाँ आते ही, यहाँ की जो तरंग है, तरंग सीमा में आते ही दंड पाने लगता है। इसलिए ये सिद्ध है, और हमें लगता है कि अब ये गीत सुन लेना चाहिए कि सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गए। सुनाइए, सुनाइए। बोले सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। दीन दुखी के कारण हारे है बाबा सन्यासी, जिन पर कृपा कर दे बाबा, कट जाए 84। बोले सन्यासी बाबा की, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई, मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, निहाल कर गई, खुशहाल कर गई, भक्तों को माला माल कर गई, मोरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, बाबा की भभूति, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई। दिन है मंगलवार को लगावे जाने, दर्शन करके बाबा खां अपनो हाल सुनाने, दिन है मंगलवार को अर्जी लगावे जाने, दर्शन करके बाबा खां अपनो हाल सुनाने,